लिथोमेंसी एक बहुत बड़ी टेक्निक है जो एंशिएंट टाइम से हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं. इट इज जस्ट लाइक आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये तो एक टाइप का बोर्ड है. लिथोमेंसी में मैं आपको जो प्रिंटआउट निकालने के दूंगी वो 5 तरीके के अलग अलग बोर्ड होंगे, ठीक है. आप उन 5 तरीके के बोर्ड का प्रिंटआउट निकालेंगे, बहुत ईजी होता है. जैसे पासे नहीं फेंकते थे शकुनी के पासे, ऐसे ही हम उस तरीके से पता लगाते हैं कि वॉट इज दी प्रॉब्लम एट हैंड. हम उस चीज को पत्री पे भी कर देते हैं. हम क्या करते हैं, एक खाली जो टेवा होता है पत्री का, हम वो बना लेते हैं. उस पे फिर वो जो सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो हमने 12 ग्रहों के लिए, मतलब 9 ग्रहों के लिए लिखे होते हैं, वो हम वैसे ही उस चल देते हैं. जहां जहां जो आता है उसका वो करंट प्रश्न कुंडली नहीं होती, जो करंट प्रश्न कुंडली होती है वो उसकी वो बन जाती है. सोचिए कितनी डिवाइन है, राइट. तो लिथोमेंसी एक ऐसी आर्ट है जो बहुत तरीके से होती है, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है. बट जो क्रिस्टल्स, जो डिवाइन क्रिस्टल्स, अभी हमने जो 2-3 तरीके करे तो आपको पता चल गया कि यस क्रिस्टल्स डू हैव एंजल्स विद इन देम. वो जो बताते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बताते हैं, ठीक है. दे आर, क्योंकि हमने क्या नाम दिया इसको, डिविनेशन. इट इज नॉट वी व्हाट वी आर डूइंग, इट इज ऑल व्हाट दे आर डूइंग. वी आर ओनली गेटिंग द आंसर्स, हमारा कुछ भी नहीं है इसके अंदर. We are just on the other end of the world and receiving our answers. हम लोग तो सिर्फ communicate कर रहे हैं, they are just giving us the answers. ठीक है, ऐसे ही lithomancy में क्या होगा, We are just questioning and they are just giving us the answer. और हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. तरीके किस लिए होते हैं कि what is the you know depth of question. आपका question किस कितने तरीके के yes or no हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे, कोई जैसे past, present, future का हो सकता है. ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. तो लिथोमेंसी में आप अपना भी कोई भी बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं. अब ये जो हमें बोर्ड दिख रहा है, इन्होंने क्या किया है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स. देखिए इसके अंदर क्लॉक बनी हुई है, ठीक है. इसके अंदर अंदर की तरफ 12 राशियों के साइंस बने हुए हैं. इसके अंदर एलिमेंट्स भी है और सारे प्लैनेट्स भी है. ये एक किसी के पर्सनल बोर्ड किसी ने बनाया है. ऐसे ही अगर आप इंटरनेट पे अमेज़न पे देखेंगे तो आपको ये बने बनाए बोर्ड्स भी मिलते हैं, लेकिन देयर इज नो यूज ऑफ परचेजिंग दोज बोर्ड्स. आपको मैं जो दे दूंगी वो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा उसका, आराम से उस प्रिंट आउट पे आप काम कर लीजिए, ठीक है. उसको सिर्फ लेमिनेट करा लीजिए आराम से, बिकॉज फिर उसके बाद तो आप खुद भी बोर्ड बना सकते हैं. लिथोमेंसी एक ऐसा तरीका है जो सबसे ज्यादा एंशियंट है, जो महाभारत जो पासे थे एक तो वो समझ लीजिए, ठीक है. और भी बहुत, जैसे कौड़ी नहीं, हम कौड़ी से नहीं करते थे काम, कौड़ियां फेंक कर हम करते थे. इट इज सॉर्ट ऑफ दैट. कौड़ी तो अपने आप में एक अलग ही आर्ट है, दैट इज कौड़ी को भी मैं क्रिस्टल ही मानती हूँ. कौड़ी की से जो हीलिंग और कौड़ी से जो प्रश्न शास्त्र होता है वो भी अपने आप में एक पूरे अलग शास्त्र है, लेकिन वो दैट इज समवॉट रिलेटेड टू लिथोमेंसी ओनली. वेस्टर्न कल्चर में ये एक आर्ट बहुत ज्यादा यूज होती है, और जिसके अंदर प्रोफेशनलिज्म आ जाता है ना, जिसके अंदर ये एक टेक्निक आ जाती है. सपोज इफ यू आर यूजिंग दिस टेक्निक अगेन एंड अगेन, तो आपके अंदर ये कला आ जाएगी, आर्ट आ जाएगी. ये आर्ट आने के बाद यू विल बी वेरी प्रोफिशिएंट, आप कनेक्ट हो जाओगे डिविनेशन से, और आपको जो आंसर्स मिलेंगे दैट विल बी परफेक्ट. ओके, टेक 3 crystals फ्रॉम द क्रिस्टल बैग विद प्रेयर्स कास्ट ऑन द सर्कल. देखिए एक हम सबसे सिंपल आज हम करते हैं, आप कोई भी पेपर पे ना सर्कल ड्रॉ कर लीजिए. पेपर पे A4 साइज पेपर पे ड्रॉ एनी सर्कल. लेकिन आप जब भी ये काम करेंगे ना, बिल्कुल कनेक्ट होके डिवाइन से ये सर्कल भी. जो अगर कुछ लोग क्या करते हैं, पेन से सर्कल ड्रॉ नहीं करते, वो अपने पास ना एक रस्सी रोप रखते हैं, डिवाइन रोप जो उन्होंने चार्ज कर रखी होती है, ठीक है. उस रोप से वो सर्कल बनाते हैं. अच्छा, उसका बेनिफिट क्या होता है, जो रोप थोड़ी सी मोटी होती है ना, तो जो हम क्रिस्टल्स उसके अंदर थ्रो करते हैं वो क्रिस्टल्स बाहर नहीं निकलते, वो उसके अंदर ही रह जाते हैं. लेकिन अगर आपके सर्कल से क्रिस्टल बाय चांस बाहर निकल रहे हैं, तो जो बाहर निकल गए ना क्रिस्टल्स, उनका रोल नहीं रह जाता. इसका मतलब वो दोस क्रिस्टल्स वर नॉट डेस्टाइंड टू बी यूज्ड इन दैट क्वेश्चन, ठीक है. मैंने कोई भी एक सर्कल बना लिया, अब हम क्या करेंगे,
जैसे हमने पहले प्रेयर की थी, आप कोई भी तीन क्रिस्टल ले लो, हमने जैसे प्रेयर की थी हम वैसे प्रेयर करेंगे, इनवोक करेंगे। राइट हैंड में आपके तीन क्रिस्टल्स लेंगे, उनके अंदर अपना क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। थ्रो तो आपको राइट से ही करना पड़ेगा, आप उस सर्कल में उसे थ्रो कर दीजिए क्रिस्टल्स को। वेरी गुड, मेरे तो तीनों के तीनों बाहर गए। मैं मेरे एक ही अंदर रहा। तो थोड़ा सा धीरे डालेंगे, दोबारा करेंगे। गॉड की अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए प्लीज। आई वांट टू आंसर, मुझे बताइए व्हाट शुड आई डू। चलो ओके, अब देखिए, the crystal that lands closest to the center of the circle represents your action, ठीक है? जो उस सर्कल के एकदम सेंटर के क्लोजेस्ट है, मेरा आ रहा है सोडा लाइट, एकदम सेंटर के क्लोजेस्ट है, इसका मतलब कम्युनिकेशन, मुझे जो काम कर रही हूँ फिलहाल मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत है। दैट रिप्रेजेंट्स योर एक्शन, ट्रू फीलिंग्स एंड मोटिवेशन डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस। मेरी ट्रू फीलिंग्स मोटिवेशन यही है कि मुझे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में डील करना पड़ेगा। Then the crystal that second closest to the center represents your partner's crush, ex, feeling, actions and motivations. अब जो मेरा partner है, crystal clear है उसकी, क्योंकि clear quartz है, उसकी एकदम crystal clear है, emotions, ठीक है, ये भी positive है. And the crystal closest to the outside of the circle represents an unseen force on outside perspective. Unseen force. आपका जो outside perspective है, उसके ऊपर unseen force. Unseen force can be कि आपको या तो positively help मिल रही है या फिर थोड़ा सा मुश्किल आ रही है, ठीक है?